निकाला और ये बहुत ज्यादा पैसे हैं, मैं बता देती हूँ आप लोग को। ये ढाई लीटर्स है ना, ये लोग हमें हमारी फैमिली को जानबूझ के परेशान किए कि चलो भाई लड़की है वो बहुत अंजलि चौहान बहुत पैसे कमा रही है, ऐसा तो जलने वाले जलो ठीक है, फिर भी हम उतना ही मेहनत करेंगे और बस ये लाख नहीं करोड़ों में खेल के दिखाएंगे। और लोग बोले मध्य क्यों क्यों ना रखूं, जैसे ये मेरी फैमिली है वैसे मेरी यूट्यूब भी मेरी फैमिली है। ये पैसे मैं जब से सिर्फ जमीन खरीदी उसके बाद फिर मैं सेविंग करना स्टार्ट की, तो क्योंकि मुझे बाहर निकलना था, मुंबई निकलना था। तो फ्रेंड्स तो मैं अभी बैंक में जा रही हूँ, भैया आ गए नीचे, काफ़ी सारा लेट भी हो रहा था। मैंने अपना सारा कागज पत्र इसमें सारे दो अकाउंट्स हैं मेरा, दोनों अकाउंट्स का मैंने ये पासबुक और चेकबुक मैंने ले लिया है, हम लोग निकल रहे हैं हम और भैया। बहुत ही तेज़ धूप है तो मैं ऐसे बांध लेती हूँ, बहुत दिनों बाद मैं स्टॉल बांध रही हूँ। HDFC का चेक नहीं, HDFC का नहीं है। तो फ्रेंड्स हम बैंक जा रहे हैं HDFC बैंक, तो वहाँ पे तो पैसे ही नहीं निकल पाए। HDFC के बैंक के बगल में जो ATM था, फिलहाल हम लोग दूसरे ATM पर आए हैं, देखते हैं यहाँ पे भी निकल पा रहा है कि नहीं। वहाँ पे पैसा ही नहीं था, ख़त्म हो गया था, झूठ में हम लोग आधे घंटे से परेशान थे उसी में। सेविंग है ना, बैलेंस डालो। सो फ्रेंड को फाइनली हमको निकाल रहे आगे ATM से पैसा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मतलब मुझे पैसे निकालने आ गए। ये कल मैं वीडियो में देखी, वैसे करके एक लड़की निकालती है ना तो ऐसे करके रोक लेती है। आजा, आजा। पूरा फूल इतना सारा मैंने पैसा निकाल दिया। आप लोगों को भी अगर निकलवाना हो तो मेरे पास आना, मैं निकाल के दे दूंगी और सिखा दूंगी क्योंकि मैं सीख ली। पकड़िए भैया। तो फ्रेंड तो हम लोग आ गए पैसे निकाल के, और क्या भैया हम लोग इतना टाइम से, क्योंकि ज्यादा पैसा निकालना था ATM से, क्या होता कि दो चार लोग बाहर लाइन में लगे थे, यहाँ तक झगड़ा भी हो गया थोड़ा सा। तो मैं बीच से रुक गई थी, मैं बोली ऐसा आप लोग आके पहले निकालो फिर हम बाद में निकालेंगे। तो फ्रेंड तो मैं सबको बुला लेती हूँ, सारे लोग देख लेंगे, इन लोग के भी दिल में तीहा मिल जाएगी कि हाँ काम चालू है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा फर्स्ट वीडियो में कि इन लोगों का क्या हाल था। अरे दादा पकड़ के खींचे पड़ी का पगा बन के कोई थी। सो फ्रेंड्स तो ये वो पैसे हैं जो अभी मैंने ATM से निकाला, और ये बहुत ज़्यादा पैसे हैं, मैं बता देती हूँ आप लोग को। ये 2.5 लाख पैसे हैं ठीक है, और ये पैसे मतलब कोई बहुत अच्छा या फिर ऐसा नहीं है कि हमने किसी का बहुत ज़्यादा कर्ज खा के हम लोग हमारी फैमिली बैठ गई थी या हम बैठ गए थे कि पैसा हमें भरपाई करना पड़ रहा है। ये एक हम लोगों के साथ जाल है हाँ, हम लोग को फंसाया गया है कि मतलब फिजूल का ये पैसा हम सरकार को दे रहे हैं। क्यों भैया फिजूल में पैसा सरकार को दे रहे हैं? जो बड़े बड़े लोग हैं ना, हमारे ऊपर तो ऐसा कुछ भी नहीं था, जो बड़े बड़े लोग हैं बहुत बहुत उन लोग के ऊपर है, लेकिन उन लोग को कोई ऐसे सिंक से टच करने नहीं जा रहा है ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा ना गरीब सताए जाते हैं, गरीब। ये तो मैं सिर्फ अपने कानों से दूसरों के मुंह से सुनती थी, लेकिन आज हमारे घर पे हमारी फैमिली पे बीत रहा है तो मैं ये बातें समझ रही हूँ। तो ये जो हैटर्स है ना, ये लोग हमें हमारी फैमिली को जानबूझ के
परेशान किए कि चलो भाई लड़की है वो बहुत अंजलि चौहान बहुत पैसे कमा रही है, ऐसा तो है नहीं। स्टार्टिंग में मैंने सोशल मीडिया पे भैया वीडियो बनाया तो तुरंत वायरल हुआ और अकाउंट में मेरे पैसे आने लगे, ऐसा नहीं है। खून पसीने की कमाई का पैसा है, धूप में बरसात में ये बहुत मेहनत से मैंने ये पैसे कमाए हैं। और बस यही कहूंगी, जलने वाले जलो, ठीक है, फिर भी हम उतना ही मेहनत करेंगे और बस ये लाख नहीं करोड़ों में खेल के दिखाएंगे। मैं ये बातें ये पैसे आप लोग के सामने नहीं रखती, बहुत सारे लोग बोले मध्य क्यों क्यों ना रखूं, जैसे ये मेरी फैमिली है वैसे मेरी यूट्यूब भी मेरी फैमिली है। आज उन्हीं लोग के बलबूते पे ये जो एक नोट, इन लोग के बलबूते पे ही मैं ये पैसे कमाई हूँ और बहुत ही मैंने सेविंग करके बहुत ही चीज़ों से कंप्रोमाइज करके मैंने ये पैसे इकट्ठे किए थे और आज ये झूठ में सरकार के खाते में जा रहा है जो कि सिर्फ मेरे घर पे लागू होता। मतलब गरीबों को जो करना गरीबों के साथ करो, मतलब अमीर लोग के साथ मत करना, ठीक है। समझ जाओ आप लोग कि मैं हम लोग बहुत ही प्रॉब्लम पे है। अरे तुम लोग ना शर्म करो कि एक लड़की 22-23 साल की लड़की एक अपने फैमिली को मुसीबत से निकाल रही है। बहुत सारे लड़के भी इतना दे के नहीं निकाल पाएंगे मेरे एज के। मैं तो लड़की हूँ, हाँ करते होंगे लड़के, लेकिन मैं तो लड़की हूँ, लड़की हो के मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ, ये सुन के ना मुंह में काली करिखा पोत लो। ये सब कर तुम लोग करो करो, मेरी तो मेहनत जारी रहेगी, मैं बहुत आगे जाऊंगी। तो फ्रेंड्स बस ये मैं बताऊंगी ना, कामयाबी से जल रहे हो तो तुम मेरे से नहीं जल रहे हो ना, मेरी कामयाबी से जल रहे हो तो मेरी कामयाबी से जल रहे हो तो वो कामयाबी तुम्हारे पास कैसे जाएगी, मेरी कामयाबी तुम्हारे पास कैसे जाएगी, मेरी नहीं वो कामयाबी तुम्हारे पास नहीं जाएगी जब तुम मेरे से नहीं अंजलि चौहान से नहीं तुम मेरी कामयाबी से जल रहे हो। तो जब कामयाबी से जलोगे तो कामयाबी तुम्हारे पास नहीं जाएगी ना, बस यही बातें हैं। तो सब कोई रो रहा है देख लीजिए आप लोग, तो कोई नहीं सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ मैं पहले की तरह कर लूंगी। बस मेरा यही कहना था कि जब छोटे कास्ट के लोग आगे बढ़ते हैं ना तो बड़े लोगों की बहुत घटती है, जब छोटे कास्ट के लोग आगे बढ़ते हैं ना तो बड़े लोगों को बहुत रात का खाना नहीं जाता है, मतलब खाना नहीं मतलब नींद चैन खत्म हो जाता है जब छोटे लोग, छोटे लोग का नहीं हक बनता है वो लोग आगे बढ़े अच्छे खासे गाड़ियों से घूमे। मुझे ये पैसे खल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा खल रहे हैं, फिलहाल कोई बात नहीं फिर मैं कर लूँगी, मैं लाख है ना करोड़ों में कर लूँगी मैं, देख ले मांगी ले भैया आइए देख लीजिए ले जाइए। ये पैसे मैं जब से सिर्फ जमीन खरीदी उसके बाद फिर मैं सेविंग करना स्टार्ट की, तो क्योंकि मुझे बाहर निकलना था मुंबई निकलना था तो उसके लिए मैं पैसे सेविंग कर रही थी कि चलो ठीक है, मतलब मुझे डांस का बहुत वो है तो मैं रियलिटी शो में मतलब जाना चाहती हूँ तो मैं इसलिए पैसे इकट्ठा कर रही थी। लेकिन मैं मेरे थंबनेल पे आप लोग देखते हैं ना कि मैं बोलती हूँ यार मैं संघर्ष जारी है मुसीबत जारी है, तो यही चीज़ें हैं क्या सोची थी और कैसे क्या हो गया वो चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं बता सकती कि क्या हमारे घर में प्रॉब्लम हुई है, वो इसलिए क्योंकि किस किस को मैं सफाई देने जाऊँगी तो बताऊँगी, मैं सक्सेस की सीढ़ी तो पा जाऊँ मैं फिर उसके बाद बताऊँगी अपनी स्टोरी कि कैसे कैसे लोगों ने हम लोग को टॉर्चर किया है। तो अब तो इस साल तो मैं नहीं जा पाऊंगी मुंबई, नहीं तो सोची थी कि मैं मुंबई निकल जाऊंगी फिर मुझे स्टार्ट फिर मुझे सेविंग करना पड़ेगा। अभी जमीन लेने के बाद मैंने यही इकट्ठा किया था। मैं देखिए मैं कोई सोबाजी नहीं करती हूँ, मेरा कोई वो नहीं है पैसे मैं दिखाऊं वीडियो में इतना, लेकिन ये पैसे फिजूल में जा रहे हैं ना तो इसलिए मैं दिखा रही हूँ, जो कि इतना नहीं हुआ हम लोगों का, लेकिन क्या ठीक है कोई बात नहीं। फ्रेंड तो अभी मैं तहसील पे हूँ
और यहाँ पे यहाँ मेरे अंकल का दुकान है, तो यहाँ पे मैं पैसे देने के लिए आई थी। मेरा पर्स खाली हो चुका है, इधर सीधे सीधे निकलेगा। चलिए, तो यहाँ का पैसा देने वाला काम हो गया। सुनाई दे रहा ना आप लोग को, ये मैं बांधी हूँ तो मुझे चैन की नींद आएगी। ये पैसे वैसे का भी काम हो गया, कंप्लीट हो गया। हम लोग तहसील से आ गए, भैया भी मुझे छोड़कर चले गए घर पे अपने, और मैं सुबह से खाना नहीं खाई हूँ, लेकिन मुझे भूख नहीं लगा है, बहुत ही तेज़ प्यास लगा है। तो पैसा दिला गया, अब मुझे बहुत। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। विपता आ पड़ी तो मैं आप सबको दिखा रही हूँ कि ऐसे ऐसे लाइफ, ये अभी अभी तक लाइफ में संघर्ष ही चल रहा है, किस तरह मैं दौड़ रही हूँ। क्या है ना कि मतलब इतने कम एज में इतनी सारी प्रॉब्लम को फेस करना इंसान को मजबूत ही बनाता है, है ना। तो देखते हैं, पहले पानी पी लूँ। सो फ्रेंड, काजू किशमिश बादाम किस किस को पसंद है? हम सिर्फ अब हम क्या करें नहीं भाभी। अरे ये क्या होता है ना कि ये सिर्फ मैं खरीद के ला के रख दे तो मुझे बहुत शौक रहता है सब रखने का, कि कोई आया तो ये निकाल के पानी पीने के लिए दे दो, मैं खुद नहीं खा पाती टाइम में। अभी बहुत एक प्यास लगा है तो मैं खा लेती हूँ। मुझे काजू पसंद है, पर बहुत अच्छे से प्यास लगा है ना, कुछ तीखा मीठा खा कर पानी पी लो। काश ठंडा पानी रहता तो और मजा आता। यारा खोखला गई थी ले बा। अच्छा आप लोग बताना, तीन भाभी हैं मेरी, तीनों में से कौन सी अच्छी लगती हैं? इनका नंबर तो आया ही नहीं मुझे पता है। कौन कौन मेरा इशारा समझा आप लोग बताना। हंस लेते हैं थोड़ा सा, दुखी दुख है, कितना दिन से एकदम से हैप्पीनेस वाला मेरे फैमिली में कोई माहौल ही नहीं बना, लेकिन बनेगा बहुत जल्दी, हम बनाएंगे। हाँ तो ठीक है फ्रेंड, मैंने पानी पी लिया, एकदम से एकदम ठंडक मिल गई, एकदम मजा आ रहा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में क्या कैसा सिचुएशन होता है, कुछ बदलाव जो भी हो मैं आपको बताऊंगी। और कृपया आप लोग मेरी बातों को सुन के आप सबको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय।